दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों इंडिया ने 4 नो टाइम जारी किए हैं, यानी कि नोटिस टू एयरमैन। ये तब जारी किए जाते हैं जब भारत कोई नया वेपन टेस्ट करने वाला होता है। ये एयरमैन यानी कि एयरक्राफ्ट पायलट्स के लिए नोटिस होते हैं कि आप इस एरिया में अपने एयरक्राफ्ट को ना ऑपरेट करें, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल व्हीकल का टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर अभी 4 अलग अलग मिसाइल्स के लिए एक्सपेरिमेंटल नो टाइम जारी किया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि ये नोटिस 8 से 16 अप्रैल 2022 के पीरियड के लिए है। ये सभी 4 मिसाइल टेस्ट एक्सपेरिमेंटल लेबल किए गए हैं, यानी कि ये उन मिसाइल्स का टेस्ट होगा जो कि अभी भी डेवलपमेंट में है। इन सभी मिसाइल्स के लिए अलग अलग एरिया डेजिग्नेट किए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये सभी मिसाइल्स अलग अलग रेंजेस वाली हैं और अलग एल्टीट्यूड के ऊपर काम करती हैं। तो चलिए अभी जानने की कोशिश करते हैं कि ये किन मिसाइल्स के टेस्ट हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत अपनी निर्भय क्रूज मिसाइल के एक स्पिन ऑफ वेरिएंट ITCM का भी टेस्ट कर सकता है। ये एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है जो कि निर्भय क्रूज मिसाइल का एक डेरिवेटिव है। ये 1000 किलोमीटर की रेंज वाली हमारी खुद की बनाई हुई एक क्रूज मिसाइल है, जिसमें हमारे द्वारा डेवलप किए गए मानिक इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे कि पहले निर्भय बताया जाता था, लेकिन बाद में इसके सक्सेस रेट कम होने के कारण इस प्रोजेक्ट में चेंजेस किए गए हैं और अब इसका नया नाम ITCM रखा गया है। अब इस इम्प्रूव्ड वेरिएंट में नए फीचर्स होंगे, जैसे कि इंडिजिनसली डेवलप्ड इंजन, प्रोपल्शन और नेविगेशन सिस्टम्स। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि जब ये मिसाइल डेवलप हो जाएगी तो ये मिसाइल अमेरिकन टोमाहॉक मिसाइल और रशियन कैलिबर मिसाइल की कैटेगरी वाली मिसाइल होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि हमारी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का टेस्ट भी 2022 में होना था। ये 160 किलोमीटर रेंज वाली अस्त्र मार्क 2 एक बियॉन्ड विजुअल रेंज ए टू एयर मिसाइल है और ये हमारी एयरफोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल है। इससे पहले हम अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को इंडक्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी अस्त्र मार्क 2 का टेस्ट नहीं किया गया है। ये मिसाइल अमेरिकन AIM-120D मिसाइल के साथ कंपेरेबल है। इसकी रेंज अमेरिकन AIM-120D मिसाइल के साथ कंपेरेबल है। ये मिसाइल एक ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर का इस्तेमाल करेगी। इस मिसाइल के वजन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका वजन 175 kg का होगा, जो कि अमेरिकन AIM मिसाइल से तो थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन ये फिर भी चाइनीज PL-15E मिसाइल से हल्की है, जो कि करीब 200 किलोग्राम के वजन वाली है और उसकी रेंज 150 किलोमीटर के करीब बताई जाती है। इसके पहले जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हमारे पास अवेलेबल है वो हमारी मीटियोर ए टू एयर मिसाइल है, जो कि राफेल फ्लीट के साथ आती है, लेकिन इसकी यूजेस काफ़ी लिमिटेड है क्योंकि ये मिसाइल केवल राफेल एयरक्राफ्ट ही इस्तेमाल कर सकता है। और यही कारण है कि हमारे बाकी के एयरक्राफ्ट इतनी लंबी दूरी की रेंज वाली इतनी बेहतर मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हमें एक इंडिजिनस अल्टरनेटिव की ज़रूरत है। और इसके साथ ही अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को बनाने के पीछे एक वजह यह भी है कि जो मीटियोर मिसाइल है वो एक रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करने के कारण काफ़ी महंगी है और ज़्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस नहीं की जा सकती है, लेकिन जो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल होगी वो उसके मुकाबले में सस्ती होगी और ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में मास प्रोड्यूस भी की जा सकेगी। इसके अलावा हम अस्त्र मार्क 3 मिसाइल डेवलप कर रहे हैं, जो कि रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करेगी और उसकी रेंज 70 किलोमीटर से लेकर 340 किलोमीटर तक होगी। यहाँ पर आपको बता दें कि हमारी अस्त्र मार्क 2 का इस्तेमाल हमारी फ्लीट के सभी एयरक्राफ्ट कर पाएंगे और ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिसाइल है और इसका टेस्ट भी अभी अगले कुछ दिनों में हो सकता है। इसके साथ ही हमारी अस्त्र मिसाइल के ऊपर बेस्ड अस्त्र वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का भी एक टेस्ट हो सकता है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल DRDO द्वारा बनाई जाने वाली एक मिसाइल है, जो कि हमारी अस्त्र मिसाइल के ऊपर बेस्ड है। ये मिसाइल एरिया एंड पॉइंट डिफेंस रोल में इस्तेमाल की जाएगी और हमारे नेवल प्लेटफॉर्म्स में इस्तेमाल की जाएगी। हर एक VLS सिस्टम यानी कि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में 40 मिसाइल्स को रखा जा सकता है, जो कि ट्विन क्वाड पैक कैनिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में रखी जाती हैं, जिसमें हर एक क्वाड पैक कैनिस्टर में 8 मिसाइल्स रखी जा सकती हैं जो कि हॉट लॉन्च की जा सकती हैं, यानी कि इनका लॉन्च बहुत जल्दी किया जा सकता है।
इसकी ऑपरेशन रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी ऑपरेशन रेंज 25 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक होगी और इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड 12 किलोमीटर तक होगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो ये 4.5 मैक की स्पीड को अचीव कर पाएगी। इसके साथ ही हमारे DRDO द्वारा डेवलप की जाने वाली NASAM-SR मिसाइल का भी टेस्ट किया जा सकता है। ये एक नेवल एंटी शिप मिसाइल है जो कि शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल है। इसे इंडियन नेवी के एक हेलीकॉप्टर से टेस्ट फायर किया जाएगा। इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि इसका टेस्ट भी 2022 में किया जाना है, तो इसका भी टेस्ट हो सकता है। इसके ऊपर डेवलपमेंट का काम 2017 में शुरू किया गया था और इसे 434 करोड़ की फंडिंग दी गई थी। ये एक 380 किलोग्राम की एयर लॉन्च्ड नेवल एंटी शिप मिसाइल है जिसमें इंफ्रारेड सीकर लगा हुआ है और 100 किलोग्राम का एक वॉरहेड है। इसे नेवल हेलीकॉप्टर लॉन्च कर सकते हैं और ये छोटी से मीडियम क्लास की शिप्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है और पेट्रोल बोट्स को भी न्यूट्रलाइज कर सकती है। इसकी रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी रेंज 5 से 55 किलोमीटर तक होगी और ये एक सबसोनिक मिसाइल सिस्टम है। इसके अलावा आपको बता दें कि DRDO इसके एक एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट के ऊपर भी काम कर रहा है जो कि 150 किलोमीटर की रेंज वाला होगा और नेवल फाइटर जेट्स और नेवल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकेगा। इसके अलावा भी फ्यूचर में ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का भी टेस्ट फायर किया जा सकता है। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो कि ज़्यादा लंबी रेंज वाली और लंबी और ज़्यादा स्पीड वाली होगी और इसके साथ ही ये हल्के वजन वाली भी होगी, जिसके कारण ये मिसाइल हमारे फ्लीट के सभी फाइटर एयरक्राफ्ट द्वारा कैरी की जा सकेगी और लॉन्च की जा सकेगी। और ये सभी मिसाइल्स हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाले हैं, तो इसी कारण ये मिसाइल टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा हो सकता है कि जो अभी नए टेस्ट फायरिंग होने वाली हैं, इन सभी टेस्ट फायरिंग में हमें इन मिसाइल्स की टेस्ट फायरिंग देखने को मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।